अच्छा ये मैप देखना जरा, एक मिनट, ये गुजरात आइलैंड क्यों बन गया है भाई, और ये बांग्लादेश कहाँ गायब हो गया है? तो बात ऐसी है कि दुनिया का लगभग 2% पानी ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में ग्लेशियर्स के फॉर्म में जमा है। अब ये 2% सुनने में कम लगता है, पर अगर ये सारा पिघल जाए तो दुनिया का ओशन लेवल लगभग 70 मीटर से बढ़ जाएगा, जो काफी है गुजरात को एक आइलैंड बनाने के लिए, जिसके बीच में है राजकोट और सारे कोस्टल सिटीज को पानी के नीचे डालने के लिए। पर सबसे बड़ा चेंज आया है ईस्ट में। How are you? I am under the water. Please help me. जिसने पूरे बांग्लादेश और बंगाल को डुबो दिया है, यहाँ तक कि पानी बिहार तक पहुँच गया है और पटना भी पानी के नीचे चला गया है। खैर ऐसे होना तो बहुत मुश्किल है, पर अगर हम करंट रेट पर चलते रहे तो साल 2100 तक 2.5 मीटर से ओशन बढ़ जाएंगे, जो काफी है मालदीव जैसे आइलैंड कंट्रीज को डुबाने के लिए। कुछ नया पता चला तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।